राजधानी रायपुर के अभनपुर की, जहां नगर पालिका परिषद गोबार नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मासूम और भोले भाले गांव वालों को सिर्फ मजाक किया गया है। दरअसल हम बताते हैं हुआ क्या है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के देवार मोहल्ले में कई लोगों को केंद्र से मिलने वाले आवास का इंतजार है, लेकिन उन्हें आवास तो मिले नहीं बल्कि सरकार की तरफ से पक्के मकान होने का यानी कि उनके मालिक बन जाने के बधाई संदेश जरूर मिलने लगे हैं, यानी कि उनको पोस्ट कार्ड मिल गए हैं। जबकि हकीकत में देखा जाए तो इन लोगों के मकान बनाना तो दूर, अभी तक गांव के लोगों ने वो जगह भी देखी नहीं है जहां पर उन्हें मकान मिलेंगे। इस मजाक से मोहल्ले के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में सवाल उठना भी जायज है कि जब आवास निर्माण शुरू हुआ ही नहीं है तो फिर लोगों के नाम से बधाई संदेश आने कैसे शुरू हो गए। हमले घर एक समस्या रही, कहीं समस्या नहीं है। 15-8 में हमले बधाई के कागज दे गए। कौन हम मोदी सरकार है? हमारा आवास मकान अभी तक के बना नहीं है ना। अभी तक के हमको आवास मकान में आकर आदमी कोई कर्मचारी कोई अफिसर आकर देखा नहीं है। और हमारे दिल्ली से हमारे लिए बधाई का कागज भेज दिए है कि आपका मकान का बधाई हो, हमारा मकान तुम्हारा मकान बन गया है, हमको बधाई भेजो करके हमको दिल्ली से कागज भेज दिए है। और रही बात वार्ड नंबर 15 वार्ड नंबर जो डुबान क्षेत्र में आकर पिछले साल भी डुबान क्षेत्र में था और अभी भी वर्तमान में हल्की बारिश में भी उस क्षेत्र में डुबान हुआ था, उसके लिए एचपी का प्रस्ताव बनाकर के राज्य शासन को भेजा गया। प्रवीण साहू जुड़ चुके हैं इसी खबर और बातचीत के लिए अभनपुर से। प्रवीण, योजना की जब बात की जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का, जाहिर सी बात है हर परिवार का शख्स इसका सपना देखता है उसका खुद का घर हो, लेकिन घर तो दूर, यहाँ पर बधाई संदेश उनको मिलने लगे हैं, क्या कुछ ये किस तरह का मजाक है ये मासूम लोगों के साथ? 15 के देवार मोहल्ले के लोगों के पास पिछले दिनों केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मिशन डायरेक्टर अमृत अभिजात के हस्ताक्षर युक्त बधाई संदेश वाले पोस्ट कार्ड आए हैं। इस कार्ड में अमृत अभिजात इन लोगों को बधाई प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का मकान बनने पर बधाई दे रहे हैं जी। जबकि हकीकत में लोगों का आवास बनना तो दूर, अभी तक नींव खुदाई भी शुरू नहीं हो पाई है। बिना निर्माण के निर्माण पूर्ण होने का बधाई संदेश आना इन लोगों को जले में नमक चढ़े में जी बराबर लग रहा है। यही कारण है कि इन लोगों में नगर पालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि उनके मोहल्ले में छोटे से लेकर बड़े नेता और जनप्रतिनिधि तभी आते हैं जब कोई चुनाव होना हो जी। चुनाव के बाद उन्हें बुरे सपने की तरह भुला दिया जाता है जी। उनके मोहल्ले में हमेशा गंदगी सहित तरह तरह की समस्या रहती है लेकिन कोई झांकने नहीं आता जी। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में यह बात विचारनी है कि जब इन लोगों के आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं है तो भला इन लोगों के नाम। प्रवीण हमारे साथ उपेंद्र उपाध्याय जी जुड़ चुके जो कि सीएम में वहाँ के, हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, उपेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, एक खबर हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन लोगों को आवास मिलना चाहिए उन्हें आवास तो मिले नहीं है लेकिन उन्हें बधाई संदेश मिलना शुरू हो गए, आखिर क्या कुछ ये विडंबना है या इसे क्या कहा जाए? नगर पालिका गोगन है पारा 12 DPR में टोटल 1920 मकान सेंशन हुए थे जिसमें 1028 मकान पात्र पाए गए और 892 मकान अपात्र पाए गए। और जो वर्तमान में जो देवाडेरा की रही बात, तो देवाडेरा डुबान क्षेत्र में आता है, इनको AHP का लाभ दिया जाएगा। शासन को स्वीकृति है जो AHP का पत्र प्रेषित किया जा चुका है, वैसे सेंशन होगा AHP का, इनको लाभ दिया जाएगा क्योंकि वो डुबान क्षेत्र में है। पिछले बार भी उस एरिया में लगभग 15 से 20 फीट ऊपर पानी भरा हुआ था जी। तो जो शासन का जो गाइडलाइन है डुबान क्षेत्र को या हाईटेंशन पार्क को देख करके तो उसको AHP का लाभ दिया जाएगा। उसके संबंध में लोग आए थे मेरे द्वारा, जो सूची है सेंशन के लिए भेजी जा चुकी है, उनको सूची भी मेरे द्वारा दिखाया गया है। लेकिन भूपेन जी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिनको आवास नसीब ही नहीं हुए, उन्हें मिले ही नहीं है, आखिरकार बधाई का संदेश उनके पास पहुंच जाना ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े नहीं करता है? नहीं, निकल आया था मेरे पास कल मेरे जानकारी में आया क्योंकि उनका आरडी AHP में हम लोग पेंशन के लिए भूख चुके हैं। और चूंकि हमारे यहाँ जो प्रथम चरण में पेंशन है DLC मोर जमीन मोर मकान, जिसमें वैलिड जमीन है उन्हीं का होना है पेंशन जी। लेकिन जी जिन लोगों के पास बधाई संदेश आए हैं, आप बता रहे हैं कि उनके लिए भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन बात ये उठती है कि जब किसी व्यक्ति को मकान मिला ही नहीं है, आवास मिला ही नहीं है, उसके बाद संदेश पहुंचना कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं करता है कार्यशैली पर?
नहीं, हमारे यहाँ जो सेंशन में हुआ है, जिनका बीएससी में फर्स्ट फेस में हमारे यहाँ सेंशन हुआ है, तो बीएससी में इनका नाम नहीं है, क्योंकि बीएससी के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान जिसकी वैलिड जमीन है उनके लिए है, और सेकंड मकान आबादी में, तो इनके पास अधिकार पत्र के लिए कंपलसरी था, अधिकार पत्र भी भराया जा चुका है, जैसे इनको नियमानुसार पट्टा वितरण होगा उनको लाभ दिया जाएगा। और रही बात वो डुबान क्षेत्र की, तो एएचपी के लिए उनको अलग से प्रोजेक्ट बना करके उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, छोटी सी बात जानना चाहूंगा, कि जिस तरह इनको बधाई संदेश मिल गए हैं, पोस्टकार्ड आने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इनके नाम की सूचना केंद्र को दे दी गई हो कि साहब इनके जो मकान है इनको मुहैया करा दिए गए हैं, उसके बाद केंद्र ने वहां से पोस्टकार्ड जारी करते उनको बधाई दिया है, ऐसा तो नहीं लगता कि ये आने वाले समय में मकान से ही वंचित हो जाए अपने? नहीं, सभी लोगों को लाभ मिलेगा। अभी नगर पालिका परिषद गोगन या पारा में वैलिड जमीन जिनके था 141 मकान कम्प्लीट हुए हैं, और 116 भी फाउंडेशन लेवल में है, लिंटल लेवल में 28 मकान है, छत लेवल में 21 मकान है, और टोटल इस प्रकार से निर्माणाधीन 165 मकान है, क्योंकि जैसे इनको पट्टा मिलेगा आगामी उनको लाभ दिया जाएगा। तो सर क्या माना जाए, जो ग्रामीण है जिनको बधाई संदेश मिल गए हैं उन्हें कब तक आवास मुहैया हो सकेगा, कब उनको उनकी खुद की छत मिल सकेगी? जैसे ही हमारे द्वारा एचपी का सेंशन प्रोजेक्ट सेंशन हो गया है, हम लोग तत्काल उनको लाभ देंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो वास्तविक में इनको लाभ मिलना चाहिए, उनको जितना जल्दी जल्दी हो सके लाभ मिले, इसके लिए हम लोग लगातार सतत संपर्क करना शासन स्तर से, और हम चाहते हैं जितना जल्दी जल्दी हो पेंशन हो और इनको लाभ मिले। लेकिन भूपेन जी आपके इस जवाब से हो सकता है कि जो ग्रामीण है वहाँ के उनको कहीं ना कहीं उन्हें संतोष मिला होगा, और साथ में उनको उम्मीद जाग गई होगी कि उन्हें वास्तव में जो बधाई संदेश मिले वास्तव में उनके मकान में तब्दील हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भूपेन जी, आप थैंक यू। जी सर, यानी कि हमारे साथ लगातार प्रवीण साहू भी जुड़े हैं। प्रवीण, जिस तरह देखा जाए कि जो निर्माण कार्य हुए हैं मकानों के वो फिलहाल कागजों में ही हुए हैं और साथ में बधाई संदेश मिलना शुरू हुए, लेकिन अब जो उन्होंने जानकारी दी है भूपेन उपाध्याय जी ने जो कि सीएमओ है, उन्होंने कहा है कि ये एक प्रोसेस के तहत चल रहा है और जल्द ही उन्हें आवास मिल जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में यह विचारनी है कि जब लोगों के आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं है जी, तो भला इन लोगों के नाम फर्जी तरीके से आवास निर्माण हो चुके लोगों की लिस्ट में शामिल कर केंद्र सरकार को कैसे भेजे गए जी, जिससे इन लोगों के पास वास्तविकता से अनजान केंद्र सरकार की ओर से मकान पूर्ण होने के बधाई संदेश आ गए। ऐसा लगता है कि हो न हो नगर पालिका परिषद गोबरा अपारा में इस योजना की आड़ में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हो रही है, और वास्तविक हितग्राहियों को दरकिनार कर अन्य लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार की विशेष टीम के माध्यम से इस पूरी योजना की विस्तृत जाँच कराई जाए, ताकि वास्तविक हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिले और उनका खुद का पक्का मकान होने का सपना पूरा हो सके। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहू से जुड़ने के लिए।